हेलो फ्रेंड, मैं हूं नम्रता और आपका स्वागत है मेरे चैनल नम्रताज कुकिंग डायरी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बची हुई चाशनी से बनी बहुत ही टेस्टी चीला की रेसिपी लेके आई हूं। ये बनाने में बहुत आसान होता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस आसान सी रेसिपी को। मीठा चीला बनाने के लिए हमने 1 कप मैदा लिया है और ये हमने बची हुई चाशनी ली है। ये हमारी गुलाब जामुन की चाशनी है, आप चाहे तो रसगुल्ला की भी चाशनी यूज कर सकते हैं। या अगर आपको फ्रेश बनाना है तो आप चीनी और पानी को घोल करके भी बना सकते हैं। और ये 1 कप हमने दूध लिया है, दूध हम जरूरत के हिसाब से डालेंगे, जितना मेरा यूज होगा उसमें। और हमने ये कुछ काजू लिए हैं और कुछ किशमिश, आप चाहे तो और भी ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका घोल तैयार करेंगे, तो उसके लिए हमने एक बोल ले लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये मैदा। अब हम पहले इसमें चाशनी डालेंगे, इसको पहले मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इसमें दूध डालेंगे। आप चाहे तो मैदा की जगह आटा भी यूज कर सकते हैं, और भी हेल्दी बन जाएगा ये। तो हम इसमें धीरे धीरे दूध डाल के घोलेंगे। इसमें हमने लगभग 1 कप दूध यूज कर लिया है। ये देखिए, इसको हमने घोल लिया है। ये अभी थोड़ा पतला है, इसको आधा घंटा के लिए हम रखेंगे रेस्ट करने के लिए, तब ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। तब हम इसमें जो ये किशमिश लिया है वो डाल देंगे और ये काजू डाल देंगे। तो को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे ढक के लगभग आधा घंटा के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए। लगभग आधा घंटा हो गया है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा और गाढ़ा हो गया है। तो चलिए अब हम चीला बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर गैस पे हमने एक पैन को गर्म होने रख दिया था। अब इसमें डाल देंगे घी 1 चम्मच के करीब, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। घी हमारा गर्म हो गया है तो हम फ्लेम को लो कर देते हैं और ये जो हमने घोल बना के रखा है इसको तवा पे डाल देंगे। थोड़ा फैला देंगे इसको। अब हम इसे लो फ्लेम पे सीकने देते हैं लगभग 2 से 3 मिनट तक, या जब तक ऊपर से इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। ये देखिए, ऊपर से इसका कलर चेंज हो गया है। तो हम इसे धीरे से पलट देते हैं। अब अंदर की तरफ से भी हम पकाएंगे, लो फ्लेम पे ही हमें पकाना है। 2 मिनट लगभग अंदर की तरफ भी हमने सेक लिया है, तो फिर से इसको पलट देते हैं। ये देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इस पे। तो ये देखिए, ये दोनों तरफ से सिक गया है। तब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस से हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे। तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, बची हुई चाशनी से बहुत ही टेस्टी चीला बनके तैयार है। तो इस रेसिपी को आप भी एक बार जरूर ट्राई करें और कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ ऐसी यम्मी टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।